महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर राजनीति हो रही है तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच हनुमान जन्मस्थल को लेकर दावेदारी हो गई। हनुमान जी के जन्मस्थल के महाराष्ट्र और गुजरात में होने का दावा भी किया जाता रहा है। इस मुद्दे पर नासिक में एक दिन बाद शास्त्रार्थ होने वाला है जिसमें साधु संत अपने अपने तर्क पेश करेंगे। भगवान शंकर के अवतार और केसरी के बेटे राम भक्त हनुमान को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। विवाद ये है कि हनुमान का जन्म कहाँ हुआ था। अलग अलग राज्यों के साधु संत अलग अलग प्रमाण के साथ दावे कर रहे हैं। अब हनुमान जन्मस्थली पर चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए 31 मई को नासिक में शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया है। शुद्ध हनुमान जी का इतिहास का संपूर्ण रामायण में लिखा वाल्मीकि ही परम प्रमाण है। इसे अभी प्रश्न उठता है कि यह हनुमान जी का जन्म कुछ लोगों को भावना है नासिक है, कुछ लोगों को भावना है गुजरात में, वहाँ डांग जिला में पंपा सरोवर भी है वहाँ को बोलता है, कुछ लोग कैथल बोलता है, कुछ लोग बिहार में, कुछ लोग झारखंड में बोलते हैं। अभी हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, इतना वर्ष तक कोई दृष्टि नहीं दिया। दृष्टि नहीं दिया कि मतलब सब लोग जानते हैं कि किष्किंधा ही है। गोविंदानंद स्वामी सरस्वती कर्नाटक के किष्किंधा में श्री हनुमत तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मठाधीश हैं। गोविंदानंद स्वामी का कहना है हनुमान का जन्म हम्पी के पास किष्किंधा में अंजनाद्री पहाड़ियों में हुआ था। गोविंदानंद स्वामी सरस्वती इसके लिए वाल्मीकि रामायण को सबूत के तौर पर दिखाते हैं। ये वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी की जन्म के बारे में कौन सा कांड में लिखा कहाँ लिखा, ये वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड में चौथा चतुर्थ सर्ग में षष्ठी षष्ठतम श्लोक में ये अंडरलाइन किया ना। ये हनुमान जन्म को लेकर दूसरा दावा महाराष्ट्र का है। नासिक के महंतों का कहना है त्र्यंबकेश्वर के पास अंजनेरी पर्वत पर हुआ था। तीसरे दावे के मुताबिक हनुमान का जन्म आंध्र प्रदेश के तिरुमला के 7 पर्वत श्रृंखलाओं में हुआ था। हनुमान जन्म स्थल का ये मामला अदालत में भी गया था लेकिन तिरुपति देवस्थान ने अदालत के आदेश के अनुसार एक कदम पीछे ले लिया। तिरुपति में झूठा झूठा कहानी लिखकर झूठा झूठा श्लोक लिखकर अभी तिरुपति वाले लोग, अभी तो पूरा दुनिया में सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म किष्किंधा में, तिरुपति में कोई नहीं जानता है। तिरुपति में तिरुपति बालाजी है तो वो लोग झूठा झूठा कहानी सुना दिया, उसमें से लोग भ्रमित हो गया। अंतिम में हमको आंध्र हाईकोर्ट जाना पड़ा, आंध्र हाईकोर्ट भी तिरुपति वाले लोगों के खिलाफ स्टैंड दे दिया। ये भी दावा किया जाता है कि हनुमान का जन्म गुजरात में डांग जिले के पहाड़ों में हुआ था। गोविंदानंद स्वामी सरस्वती का कहना है कि अब हनुमान की जन्मभूमि पर वैज्ञानिक प्रमाणों और दावों पर त्र्यंबकेश्वर में चर्चा होगी। साधु संतों से अपील की जा रही है कि वो शास्त्रों, वेदों और पुराणों के संदर्भ में साक्ष्य देकर जन्म स्थान के दावे पर चर्चा करें। प्रवीण ठाकरे, नासिक, आज तक।